आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर्स। और यहाँ पे इसके चार ऑप्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चारों ऑप्शन में जो स्पीशीज गिवन है या कहें मॉलिक्यूल्स गिवन है, ये है N2, C2, B2 एंड BE2। तो इन चारों का हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा और बॉन्ड ऑर्डर इन सभी के लिए निकालना होगा। तो जो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले निकालते हैं N2 के लिए, N2 मॉलिक्यूल के लिए। जो N एक सिंगल एटम के फॉर्म में जब होता है तो उसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ N2 है तो मतलब 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 मॉलिक्यूल में है, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये भी 14 ही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो ये होगा σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2, π2py2, σ2pz2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 मॉलिक्यूल में है तो 14 का हमने फिलिंग किया। यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहला कि हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस माना, ठीक है। इसीलिए सिग्मा 2pz ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें तो एक्स एक्सिस को भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान सकते हैं, तो हमें यहाँ पे σ2px लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है ये कि यहाँ पे जो π2px ऑर्बिटल है और π2py ऑर्बिटल है, इन दोनों की जो एनर्जी है ये दोनों सेम है। जो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की कुछ इस प्रकार की कि सबसे पहले पहला जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज ये π2px ऑर्बिटल में गया, ठीक है। दूसरा π2py में गया, ठीक है। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ वो सपोज π2px में गया और चौथा π2py में गया, ठीक है। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड अप होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स में, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो यही दोनों जो बातें थी ये हम आगे की कॉन्फ़िगरेशंस में भी लिखते समय ध्यान रखेंगे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड मानेंगे और ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। 2+2+2+2+2 विद सम अप टू 10, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, तो यहाँ पे 2+2, ठीक है, तो मतलब 4। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 10-4 विच इज 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए भी लिखेंगे। तो जो अगला मॉलिक्यूल हमें गिवन है ये है C2। तो एक कार्बन के एटम में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो C2 मॉलिक्यूल में है 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें जो प्रोटॉन्स है ये भी है 12 विच इज लेस देन 14, तो इसका हम लोग फिलिंग कर लेते हैं। तो इसका फिलिंग होगा σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2, π2py2, σ2pz0, ठीक है। तो बिल्कुल वही बातों को हमने ध्यान रखा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जेड रख माना, इसीलिए σ2pz ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पे जो π2px और π2py ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम। तो इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, देन दिस, देन अगेन दिस एंड देन अगेन दिस, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने इसे फिल किया और इन टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका हमने फिलिंग किया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यही जनरल फॉर्मूला, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हाफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो यहाँ पे 2+2+2+2 विद सम्स अप टू 8, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2
प्लस टू विच सम्स अप टू फोर, ठीक है। तो 8 माइनस फोर कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है 2। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है ये है B2, ठीक है। तो इसका हम लोग कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो एक बोरॉन के एटम में होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे B2 मॉलिक्यूल है तो इसलिए यहाँ पे होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है यहाँ पे 10 विच इज लेस देन 14। तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px1, π2py1, ठीक है, एंड σ2pz0। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बात का फिर से ध्यान रखा कि पहले ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो एक पहले सिंगली फिल्ड अप होगा और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंड अप हो गए थे, इसीलिए कोई पेयरिंग नहीं हुई, ठीक है। तो अब बस बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको एक बार देख भी लेते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 + 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 6 और एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 6 - 4 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर B2 मॉलिक्यूल में है 1। अब आखिरी मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है ये है Be2, ठीक है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेरिलियम के एक एटम में होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो Be2 के मॉलिक्यूल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें होंगे 8 विच इज लेस देन 14। तो इसका हम लोग कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो इसका कॉन्फिग्रेशन होगा σ1s2, σ*1s2, σ*2s2, σ*2s2, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्फिग्रेशन। अब हम लोग निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना क्या होगा, वही जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0, ठीक है। तो फाइनली हमने सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकाला। N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, C2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, B2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1 एंड Be2 का बॉन्ड ऑर्डर है 0, ठीक है। तो ये चारों हमने कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो अगर इसको हम ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, देन कम्स C2, देन कम्स B2, देन कम्स Be2, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। अब इसे हमें ऑप्शंस में सर्च कर लेना है। तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर्स गिवन है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यही ऑर्डर हमने लिखा है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, C2 का है 2, B2 का है 1 और Be2 का है 0, ठीक है। इसे लिख भी देते हैं फिर से, 3, 2, 1, 0, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।